देगा। आई सुन, जब मैं घर में न रहूं तो किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। पहले पूछना कौन है, अगर कोई जवाब न दे या आवाज अनजाने लगे तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। कल का कहना बिल्कुल नहीं खोलूंगी। Can I see your return tickets, please, sir? Return tickets? Yes, your return tickets to India? I will be booking the ticket now, yes. Sir, this is a tourist visa. You can't travel without a valid return ticket. That's what I'm saying. I will be doing the booking now. No, I don't think you understand. I need to see that return ticket now. Okay, let me explain. See, I am going back to India and I am going to buy a return ticket. Isn't my visa valid? If I don't go back from you as per the visa says, you can then catch me. I'm sorry, sir. But you can't travel without a valid return ticket. Say, listen, let me explain. There is some problem Officer happening Johnson here. To immigration counter immediately. You're not understanding, please, madam. There is some problem happening. I need. कल रात फिर पीकर पीटा है मुझे जानवरों की तरह। मैं और नहीं सह सकती। मुझसे तो ये सब सुना भी नहीं जा रहा है काजल। तो मुझे यहाँ से ले जाओ ना। काजल मुझे थोड़ा टाइम और दे, कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाना, फिर मैं आऊँगा तुम्हें लेने, प्रॉमिस। जल्दी आओ प्लीज। अजी, अजी, राजन क्या हुआ है? भाई पता नहीं क्या हुआ है, मैं जब आया तब गेट खुला था और ये दरवाजा भी खुला था। जयदेव काका की गाड़ी भी नहीं और जयदेव काका और अजी का फोन भी नहीं लग रहा है। भाई कुछ तो हुआ है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ अभी के अभी। अरे तुझे पहले ही करना चाहिए था पुलिस को फोन। सर मैंने ही फोन किया था आपको, अंदर फ्लोर पर खून के धब्बे। राजन अशोक काका को फोन कर। हाँ, करता हूँ जल्दी मिला। अभी कर। सर उस कमरे में भी लाश है। हाँ
काका जयदेव परांस पे और आजी आशालता परांस पे, ये दोनों ही रहते थे यहाँ। जयदेव काका की शादी नहीं हुई थी। तुमने आखिरी बार कब देखा था इन लोगों को? सर, मेरी आई उनके लिए दोनों टाइम का खाना बनाती थी। कल रात को आई डिनर लेके आई थी और आज मैं लंच लेके आया। और मोहिनी जी, कल रात जब आप इन लोगों के लिए डिनर लेकर आए तब सब सही था जी? बिल्कुल, रोज की तरह ही था। कौन है? माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं रोहिणी। कौन है? अरे रोहिणी माँ जी। अरे बाबा कौन? रोहिणी, रोहिणी। तीन बार बोला मैंने, रोहिणी रोहिणी रोहिणी, आप मेरी आवाज नहीं पहचानती। जयदेव भाव कहाँ है? अपने कमरे में है। जयदेव भाव, मैं खाना लगा रही हूँ। आता नहीं रोहिणी भाभी, मैं बाद में खा लूंगा, अब माँ को खिला दो। मैंने माँ जी को खाना परोसा और मैं चली गई। रोज जैसा ही दिन था, कुछ अलग नहीं था। ये राजन आज दोपहर का खाना लेकर आया था, लेकिन लगता नहीं कि जयदेव जी और उनकी माँ आशालता जी ने आज सुबह नाश्ता किया था। कल के बर्तन भी अभी तक धुले नहीं, क्या सुबह से कोई काम वाली बाई भी नहीं आई होगी? हाँ सर, एक काम वाली बाई आती है। नाव कहती साई? शायद कविता, वो कॉलोनी के और घरों में भी काम करती है। राजन, तुम्हारे काका जयदेव ब्रांच में की गाड़ी का नंबर मालूम है तुम्हें? नहीं सर, गाड़ी के पेपर्स देखने होंगे, शायद अंदर होंगे। ठीक है, अंदर चल के बताओ क्या क्या मिसिंग है, जितना तुम्हें याद। MHX1491 रेड कलर के सेडान कार है, कल रात से लेकर आज सुबह तक के बीच में लेके गए होंगे हत्यारे। अगरकर कॉलोनी और उसके आस पास जितने भी कैमरा है सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे तुरंत। जयदेव काका फोटोग्राफर थे, मगर उनका पूरा कैमरा गियर मिसिंग है। कैमराज, लेंसेज, लैपटॉप। सर, अलमारी के डोर से 1000 रुपये मिले हैं। और भी पैसे रहे होंगे यहाँ पे? सर, जयदेव काका घर पे कितने पैसे रखते थे ये मैं नहीं जानता, मगर उनके वॉलेट में कई सारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स रहा करते थे। वॉलेट भी मिसिंग है। तुम्हारे जयदेव काका प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे? जी सर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे। क्या है? रुक जा, रुक जा। क्या हुआ? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, मेरे बॉस की गाड़ी है, 2-3 दिन के लिए इधर ही रहेगी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? ये जगह उनकी है जिनका अपना घर है, भाड़ोत्रियों की नहीं है। क्यों, मैंने गाड़ी लगाई है तो जलन हो रही है? ए, चुप कर, चुपचाप गाड़ी को ले जाओ, वरना तेरे मालिक पुरोहित को बता दूंगा, फोन कर दूंगा अभी। ठीक है, जो होता है वो कर लेना, ठीक है? मैं किसी के बाप से नहीं डरता और ये गाड़ी नहीं हटेगी। मैं पुलिस को बुलवा रहा हूँ, जब वो टो करके ले जाएगा तो फिर मत कहना। कल रात को तो हमने ऐसे कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती घुस भी जाता तो चिल्लम चिल्ली तो होती ना। हाँ, हमने भी ना कुछ देखा ना सुना, और वैसे भी आशा जी तो कम ही घर से बाहर निकलती थी। हाँ, दूध वाला, पेपर वाला, किसी का तो आना जाना होता होगा जयदेव रांसपे के घर। अब उनके घर कोई आए जाए हम कहाँ हिसाब रखते बैठेंगे ना मैडम, हमारे घर के काम निपटाते निपटाते ही हमें टाइम नहीं मिलता है। जयदेव जी के यहाँ ना कविता काम किया करती थी, मैंने उसे फोन कर दिया है, अभी आती ही होगी। सर, हर रोज की तरह सुबह 8 बजे से ड्यूटी पर हूँ, तब से कोठी नंबर 7 से, मेरा मतलब है कि परंजबे जी की कोठी से ना कोई आवाज़ आई और ना सर मैंने किसी को आते जाते देखा कि जिस पे शक किया जाए। लोकेश, कल रात को 7:30 बजे रोहिणी जी के आने के बाद जयदेव जी के घर पे और कोई आया था? जी नहीं, मेरी ड्यूटी 8 बजे तक थी सर, तब तक सर कोई भी नहीं आया था। अगर सर कोई आया भी होगा ना तो जो नाइट वाला वॉचमैन नितिन है उसको पता होगा। सर, ये नितिन आ गया सर, ये नाइट शिफ्ट पे था सर। नितिन, कोठी नंबर 7 में कल कोई आया था जयदेव जी के यहाँ? नहीं साहब, कल तो कोई नहीं आया उनके घर पे, और 11:15 बजे करीब जयदेव साहब खुद बाहर गए थे, कार लेकर गए थे। हाँ साहब, सीसीटीवी फुटेज दिखा दो ना शरद साहब। फुटेज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर जयदेव जी अपनी कार खुद चलाकर बाहर गए फिर वो वापस कैसे आए?
क्योंकि उनके घर के कंपाउंड में तो उनकी कार है ही नहीं। रात को तो वो वापस लौटे नहीं साहब, मुझे लगा बाहर गए किसी काम के लिए। लेकिन ठीक से याद करके बोलो, जयदेव जी गाड़ी लेकर बाहर गए थे? हाँ साहब, गाड़ी तो जयदेव जी की ही थी। गाड़ी कौन चला रहा था? जयदेव जी, ठीक से देखा तूने? साहब इतना झांक कर तो नहीं देखा, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी कोई और चला रहा था। सर ये है सीसीटीवी फुटेज। सर अरे ओ मैडम, जो पूछना इधर ही पूछ लेने का ना, मेरे को और तो घर के काम भी खत्म करने हैं। अरे अपने घर का खाना भी पकाना है मेरे को। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तू कहानी ना पकाए तो। बैठो। अरे मैं कहानी काहे को पकाएगी? हां अरे हट हट। मैं किस पे शक कर सकता हूँ सर? देखो राजन, डेथ कब हुई यह हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले, मतलब जरूर दरवाजा किसी के लिए खोला गया। लेकिन जैसा कि आप लोग बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जयदेव काफी चौकन्ने किस्म के इंसान थे, किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी जान पहचान वाले के लिए ही दरवाजा खोला। अशोक जी, रोहिणी जी, जयदेव पर काफी बेरहमी से वार किए गए। उनकी आशा लता जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? अशोक भाऊ, जयदेव भाऊ और मेरे स्वर्गीय पति नरेश, ये तीनों सगे भाई थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब जयदेव भाऊ का अलग से किसी के साथ कोई मसला हुआ हो तो वो हम दोनों को नहीं पता। क्यों आपको अशोक भाऊ? कौन है? आई अशोक। कौन है? आई तुम्हारा बड़ा बेटा। कौन आई? कौन घर पर नजर रखे हुए? मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, मगर इन दिनों जयदेव काफी परेशान रहता है। जाते वक्त मुझे 3-3 बार बोल के जाता है कि बिना आवाज पहचाने, बिना ठीक से पहचाने दरवाजा मत खोलना। अरे अशोक भाव, कैसे हो भाव? मैं ठीक हूँ, तू बता जयदेव। अरे ये कौन लोग हैं जो घर पर नजर रखे हुए? पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है भाव। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा? तुझे किसी से कोई खतरा है? तो जयदेव ने किसी खतरे के बारे में बताया आपको? जी नहीं, कुछ नहीं बताया। कब की बात है अशोक जी? यही पिछले हफ्ते की। मैं ऐसे ही आई से मिलने गया था, तब उन्होंने बताया। क्या जयदेव आप लोगों से कुछ छुपा रहे थे? शायद उनके उनके फोटोग्राफी के प्रोफेशन को लेकर कुछ छुपा रहे हो? सर जयदेव काका कई फेमस वाइल्ड लाइफ मैगजीन्स के लिए काम करते थे, मगर उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। कौन डिटेल दे सकता है इस बारे में राजा? मैं पता लगा सकता हूँ सर, शायद इंटरनेट पर से पता चल जाए वो कौन से पब्लिकेशन के लिए काम करते थे। सर जयदेव काका का अपनी प्रोफेशन में काफी नाम था। इसमें तो पता नहीं चल रहा गाड़ी कौन चला रहा है, और सीसीटीवी कैमरा भी इतना ऊपर लगा है। सर मैंने नहीं लगाया, वो तो कॉलोनी वालों ने लगाया। जयदेव जी के बाहर जाने से पहले कोई कॉलोनी में दाखिल भी नहीं हुआ? सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रात को कोई कॉलोनी में आया ही नहीं, और अगर आता तो शाम में रजिस्टर में एंट्री भी करवाता ना साहब। मेन गेट के अलावा कोई और रास्ता भी है कॉलोनी में दाखिल होने का? हाँ साहब, पीछे एक दीवार है जो पार्क से लगी हुई है, वहाँ से कोई दीवार फान कर आया होगा तो बोल नहीं सकता साहब। और वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं है साहब, वैसे भी जयदेव साहब रोज शाम को उस पार्क में टहलने जाते थे। जयदेव भाऊ के घर सुबह 8 से 9, 1 घंटे में झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाती थी मैं, और कपड़े
कपड़े तो जयदेव भाऊ खुद वॉशिंग मशीन में लगा लेते थे। आज सुबह जब तूने दरवाजे की बेल मारी और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो तूने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है? क्यों क्यों ऐसा करेगी मैं? अरे 8-10 बार घंटी मारी ना मैंने। जब मैं वहां पर गई तो कंपाउंड का दरवाजा खुला हुआ था, साहब की गाड़ी नहीं खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि अच्छी अंदर होगी, सो रही होगी। मैं बेल मारती रही पर किसने दरवाजा नहीं खोला। तूने जरा भी जानने की कोशिश की होती ना तो सबसे पहले तुझे पता चलता कि अंदर कुछ गलत हुआ है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि अंदर कुछ गलत हुआ है? हाँ आप ही बताइए। और सवेरे मेरे को बहुत जल्दी होती है, 10 मिनट की भी देरी होती ना तो बूमा बूम बच जाता है। और वैसे भी क्या है ना कि जयदेव भाऊ जब घर से बाहर जाते ना तो अज्जी को 10 बार चिल्ला के बताना पड़ता है कि अज्जी मैं हूँ कविता कविता कविता, 10 बार चिल्लाना पड़ता है। टाइम की बड़ी मारामारी है मेरे को। शायद टाइम की मारामारी नहीं बल्कि तू खून खराबे के कारण अंदर नहीं गई। मंजे मतलब ये कि तुझे पहले से पता था कि अंदर 2 कत्ल हुए हैं, लाशें पड़ी हैं अंदर। मैडम चलती है मैं। एक मिनट रुक, खड़ी हो यहाँ, पुलिस स्टेशन है ये, तेरी बस्ती कोई चौपाल नहीं है कि जब मनाए उठ के चल दिया। और तू अपने थाने में बैठी है इसलिए किसी के ऊपर भी दादागिरी करेगी? उस कॉलोनी के 6 घरों में पिछले 4 साल से काम कर रही है मैं, 2 बच्चों की माँ है। मेरा मरद पिंपरी की फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करता है, कमर तोड़ मेहनत करते हैं हम लोग, कभी किसी का खाया नहीं हम लोगों ने। मैं चलती है। जयदेव प्रांजपे पे 14 वार हुए। 14 वार हुए पर किसी ने कोई चीखना चिल्लाना नहीं सुना। जहाँ तक मुझे लगता है कि विक्टिम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ये हमला अचानक से हुआ होगा। मतलब जयदेव को पता ही नहीं होगा कि वो शख्स जयदेव पर इस तरह से हमला करने वाला है। और जयदेव की माशाल्लाह था, इनका गला घोटा गया ना। दैट्स राइट। ये देखिए इनके दाहिने कंधे की ये हड्डी टूटी हुई है और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बेड से उठी होंगी और कातिल ने इनका गला पकड़ करके पीछे की तरफ बहुत जोर से धक्का दिया होगा। ये जो इनके गले पे उंगलियों के निशान हैं फॉरेंसिक ने इसे कलेक्ट कर लिया है। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? कल रात यही कोई 10-11 के बीच में, क्योंकि इन दोनों के पेट से अनडाइजेस्टेड खाना मिला है। सर शहर के सारे एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जयदेव प्रांजपे की रेड सेडान कार पुणे से बाहर जाते हुए नहीं दिखी गई है। और ये देखिए ये आगे सीट पर कौन बैठा है ये क्लियर नहीं है, पर फिर भी मैंने गुरु खबी को काम पे लगा दिया है, सारे लूट के और चोरी के हिस्ट्री शीटर को खंगाल रहा है। क्या ये वाकई में लूट चोरी का केस है? 14 वार किए गए जयदेव बेरहमी से, एक 80 साल की बूढ़ी औरत को गला दबाकर मार डाला गया, मुझे गहरी नफरत की बुआ रही है। सर कुछ पब्लिकेशन हाउसेस के नंबर मिले हैं जिनके लिए जयदेव प्रांस पे फ्रीलांस काम करता था, मैं उनसे बात करती हूँ। सर ये दीवार फांद कर कॉलोनी से पार्क में आना काफी आसान है। पार्क से ये दीवार फांद कर कॉलोनी में भी जाना उतना ही आसान रहा होगा। सर पार्क रात 9:30 बजे तक खुला होता है, लेकिन पार्क के अंदर जो पहले से होते हैं वो कभी कभार 10-10:30 बजे तक वॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मैं नियमों के मुताबिक 9:30 बजे के बाद किसी को अंदर नहीं आने देता हूँ। ये आदमी जयदेव प्रांश रोज शाम को पार्क में वॉक करने के लिए आते, ऐसा बताया गया? सब आते जाते देखा तो है, नाम मालूम नहीं था। ये फोटो रख अपने पास, शाम को पार्क में जो भी वॉक करने के लिए आते हैं सबको देखा। जयदेव प्रांस पे को जो भी जानता हो सबका नंबर ले और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर। जी मैंने अखबार में जयदेव के बारे में पढ़ा, काफ़ी शौक लगा मुझे जानकर, बड़ा ही अच्छा इंसान था, जेम ऑफ अ पर्सन और एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी। जयदेव प्रांस पे के मर्डर के साथ साथ उनका कैमरा, लेंसेज, लैपटॉप और पेन ड्राइव सब मिसिंग है। किसी प्रोजेक्ट के असाइनमेंट पे काम कर रहे थे क्या वो? आपका मतलब कोई ऐसा काम जिससे उसकी जान को खतरा हो? जी हाँ। देखिए मैडम, जयदेव परांजपे सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही नहीं था, इसके अलावा भी जयदेव
जंगल में पेड़ों के काटे जाने और सॉइल इरोजन जैसे इश्यूज पर आर्टिकल्स लिखता था। इन सब चीजों को लेकर किसी लैंड या सैंड माफिया से कोई अनबन या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ ऐसा कुछ था? देखिए, मैं पक्का तो नहीं बता सकता, हमारे किसी आर्टिकल या फीचर के कारण आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जयदेव तो एक फ्रीलांसर था, वो दूसरी मैगजीन्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम करता था। जयदेव काफी परेशान और अपसेट थे इस बात को लेकर कि कुछ रईस पावरफुल लोग जंगल की जमीन है अपने लैविश रिसॉर्ट्स खड़े करने के लिए हथियार रहे थे। मिस्टर बिनॉय कौन थे वो लोग, कुछ डिटेल में बता सकते हैं आप? पता करना पड़ेगा मैम, बात करनी होगी कुछ लोगों से। मेरी लास्ट मुलाकात जयदेव से किताबों की एक दुकान में हुई थी, वो लॉ की कुछ किताबें खरीद रहा था। क्या किसी पे कोई केस करने वाले थे या जयदेव जी पे किसी ने केस किया था कोई? डिटेल तो मुझे पता नहीं मैडम, एक्चुअली जयदेव को जंगलों की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण की चिंता थी, वो इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहता था। मिस्टर मुखर्जी, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किसके साथ भिड़ गए थे इस मसले को लेकर, आप प्लीज अपने सर्कल में बात कीजिए। रोहिणी, एक सवाल उठ रहा है दिमाग में, एक शक ही समझो, क्या वो हमसे बदला ले रही? अशोक भाऊ, क्या कह रहे हैं आप? अगर वो इन सब के पीछे है तो आपको लगता है कि हमारी बारी भी जल्दी आएगी? पता नहीं, अगर वो बदला ले रही है तो उसने जयदेव को क्यों मारा? उसका सबसे ज्यादा गुस्सा तो आई पर था ना, हम पर था ना। पर उसे हमारी बातों और फैसले का पता कैसे चला होगा? बाबा, आपने काकी से वो बात पूछी ही नहीं जो आप पूछने वाले थे। ऐसे कैसे सीधे सीधे रोहिणी से पूछता? नीलम बेटा, ये नहीं हो सकता। और कौन हो सकता है बाबा, जिसके लिए इतनी रात गए जयदेव काका बेझिझक दरवाजा खोलते? आशालता प्रांसपे और जयदेव प्रांसपे, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड हमें तुरंत चाहिए। हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है कि उनके घर आने से पहले किसने उनको कॉल किया था। मैडम, जयदेव प्रांसपे और आशालता प्रांसपे दोनों के फोन IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिए हैं, लेकिन फोन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए। दीपाली साइबर टीम से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहो, उनसे बोलो लगातार चेक करते रहे। सर, हिस्ट्री शीट से पूछताछ हो रही है, ये जो कैमरे और लैपटॉप चोरी हुए हैं कहीं इनमें तो कोई राज नहीं छुपे हुए या कोई आपत्तिजनक चीज छुपी हुई इसमें? ये एंगल भी है हमारा, पर अभी तक कुछ ठोस नहीं उभरा। सर, ये जयदेव और उसके बड़े भाई अशोक के बीच एक मझला भाई भी था नरेश, जो ऑफ हो गया, राजन के पिता रोहिणी के पति। और सर, जो ये कोठी थी जिसमें जयदेव और उसकी माँ आशालता रहते थे वो पुश्तैनी है। जायदाद का मामला फैमिली मैन पर कुछ हाथ लगाते रहे? भी लगा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में गणित चल रहा है। सर, ये जयदेव किसी भी अजनबी के दरवाज़ा नहीं खोलता था, अब इतनी रात गए कौन आ सकता है उसके घर? वैसे दो ही लोगों का ज़्यादा आना जाना था, जयदेव की भाभी रोहिणी या उसका भतीजा राजन। गौतम जी? जी, वो वॉचमैन ने मुझे जयदेव का फोटो दिखाया था, मैं अच्छी तरह से जानता था उसे। गौतम जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं? हमारा मानना है कि कोई इस पार्क की दीवार को फान कर कॉलोनी में दाखिल हुआ होगा। जयदेव परेशान तो था। किस बात को लेकर? नहीं बताया, लेकिन आंखें सब बोल देती है। वो बेचैन रहता था। हाँ, इतना तो हमने भी सुना है कि जयदेव जी को किसी बात का डर था, वो अपनी माँ से भी बार बार बोलते थे कि बिना नाम जाने किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलो। सुबह से एक किस्सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जयदेव के बारे में। कैसा किस्सा? कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ हुआ तो जरूर था, पर क्या हुआ था, कब हुआ था, याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। गौतम जी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी बताई कोई बात हमें इस केस में सुराग दे सके। एक शाम थी, हम लाफ्टर क्लब वाले लोटपोट हो रहे थे, मेरी नजर सामने जयदेव पे पड़ी। मैंने पूछा उसको इतना परेशान क्यों है, पर वो बात टालता गया।
क्या उन्होंने कभी लैंड माफिया या जंगल माफिया का जिक्र किया आपसे, जिसके खिलाफ वो लिखा करते थे? मुझे अपने दिमाग पे जोर देना होगा, कुछ था जरूर पर मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो मैडम जी, मैं बोलने को तो बोल दूंगी लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग्यश्री चुगली करती है। निश्चिंत रहो तुम, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आप वो कविता से दोबारा पूछताछ करो। क्यों, उसने कुछ बताया क्या? वो कविता मेरे घर में भी काम करती है ना, तो काम करते करते उसने मुझे कहा कि कोई तो औरत है। औरत है? कौन औरत? ये बात आप कविता को ही पूछ लीजिए ना। जयदेव और आशालता जी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उस रात दोनों में से किसी को कोई कॉल नहीं आया। सर उस दिन जयदेव को आखिरी कॉल शाम 4:30 बजे आया था मुंबई से। मैंने बात की तो बोला जयदेव का कोई दोस्त है, उसके बाद जयदेव के फोन पर कोई भी कॉल नहीं आया। यानी जो भी आया बिना बताए अचानक से आया होगा और बैल बजाई होगी। और जयदेव ने शायद अपनी आदत से विपरीत दरवाजा खोला होगा, पर दरवाजा खोलने से पहले आई होल से तो जरूर झांका होगा। सर मुझे जयदेव के भतीजे राजन पर शक हो रहा है, शायद वो झूठ बोल रहा है। दरवाजे पर खून के धब्बे देखकर वो अंदर ही नहीं गया, मुझे तभी डाउट हुआ। शायद उसकी मां रोहिणी भी मिली हुई, शायद कोठी का कोई मामला, या शायद जयदेव के बड़े भाई अशोक भी शामिल। उनके हाव भाव दुख से ज्यादा टेंशन के लग रहे थे, हो सकता है इन लोगों ने मिलकर कोई झूठी कहानी रची। और वो नौकरानी कविता, वो भी तो शामिल हो सकती है। कह रही है कि उसने बार बार बैल बजाई, 10 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही, फिर भी उसको पता नहीं चला कि दरवाजा खुला हुआ है। कौन सी औरत की बात की थी मैं, और किसने बताया तुमको? एक आनपत्ती का मां, वरना बुलाऊंगी अभी तेरे आदमी को, तेरे बिरादरी के सारे लोगों को, उसके बाद सबसे पूछताछ होगी। अब तू देख ले कि क्या करना। आदमी को बीच में क्यों लेकर आती हूँ? हाँ तो फिर औरत का नाम बोल। मेरे को उस औरत का नाम तो नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि उस औरत से पूछताछ करनी चाहिए। इस औरत से? अरे वही औरत जो जयदेव भाऊ को फोन किया करती थी। जब मैं जयदेव भाऊ के घर काम करती थी तो मैंने कई बार देखा कि जयदेव भाऊ को कोई फोन आता था, और वो पक्का किसी औरत का था। तुझे कैसे पता होता था कि औरत का ही फोन है? मैं एक औरत है, आदमी की आवाज और उसकी हंसी दोनों से पहचान जाती है। हेलो, हाँ घर पर ही हूँ। टाइम की प्रॉब्लम तुम्हारी है, मजबूरी है तुम्हारी है, हमारा क्या। वैसे तो जयदेव भाऊ किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अरे हंसना मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब उस औरत का फोन आता था तो जयदेव भाऊ का थोपड़ा एकदम गुलाबी हो जाता था। ये फोन करने वाली औरत है कौन? ये तो मेरे को नहीं पता, मैंने तो बस जयदेव भाऊ के हाव भाव से पहचान लिया कि हो ना हो वो किसी औरत से ही बात करते थे। कैसे हो बेटा, कल से इतनी बार ट्राई कर रहा है तुझे। आई बाबा सॉरी, मैं एक्चुअली आपका मिस कॉल देख रहा था लेकिन उठा नहीं पाया, बॉस के साथ था ना। खाने सोने पे जरा ध्यान दो बेटा। तेरे खाने की यहाँ बहुत याद आती है। कैसे हो आप दोनों? हम दोनों ठीक है बेटा। बेटा ये तेरे लिए कब मुमकिन होगा कि तू थोड़े से पैसे हमारे लिए भेज दे? यहाँ ब्याज की रकम इतने बढ़ते जा रही है। जो थोड़ा बहुत भेज सको भेज दो। कल साहूकार घर आया था, बोला है कि अगर इस महीने कुछ नहीं दिया तो हमारे खेत का कुछ हिस्सा ले लेगा। बाबा प्लीज आप जरा भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। देखो आप, मैं इस महीने आपको जरूर पैसे भेजूंगा। हाँ बाबा, बॉस बुला रहा है, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, लेकिन आपको रात को जरूर फोन करूंगा घर से। हेलो, कल 11:30 बजे बोरीवली चर्च के बाहर। सच? हाँ काजल, अपना बैग रात को ही पैक कर लेना। हाँ और मोबाइल फोन घर पे ही छोड़ना, बोरीवली चर्च के ठीक पीछे। आओगी ना? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। औरत जयदेव की जिंदगी में? जी औरत थी जयदेव की जिंदगी में, मुझे नहीं मालूम, और अगर कोई औरत थी भी तो ये जयदेव की निजी बात है, उसने मुझे नहीं बताया कभी।
अशोक जी, आप तीनों भाइयों के बीच पुश्तैनी कोठी को लेकर खटास थे। खटास? जी, थी ना खटास आप लोगों के बीच? कोई खटास नहीं थी हम लोगों के बीच। मेरे पति नरेश के गुजर जाने के बाद उनके दोनों भाइयों ने, जयदेव भाऊ और अशोक भाऊ, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ। रोहिणी जी, मैं कोठी के बंटवारे को लेकर बात कर रही हूँ, उसे तो लेकर खटास थी? नहीं, कोई खटास नहीं थी। हमारी आई चाहती थी कि जब भी पुश्तैनी कोठी बेची जाए उसके तीन बराबर हिस्से, और ये बात हम तीनों भाइयों को मंजूर थी। और अब सिर्फ दो होंगे। जयदेव का परिवार तो है ना, जो उसके हिस्से पर हक जताता, बचे मेरा और नरेश का परिवार, तो जाहिर है दो ही हिस्से होंगे। पर आप कहना क्या चाहते हैं? आप बोलिए। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने ना अपमान करेंगे आप हमारा सर? आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जयदेव काका को? जयदेव मेरा सगा भाई था। अशोक जी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ पूछा। मैं सिर्फ जयदेव और आशा लता जी के कत्ल की वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि निशाना जयदेव और आशा लता जी दोनों थे या फिर दोनों में से कोई एक था और दूसरा बेवजह मारा गया। कत्ल और मकसद का पता लगाने के चक्कर में आप रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लोगों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सर, ये प्रॉपर्टी वाला एंगल आपने अपनी खामियां छुपाने के लिए लाया ना, मैं सब समझता हूँ। राजन, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस रात तुम्हारे जयदेव काका ने किसके लिए दरवाजा खोला होगा। तो जाहिर सी बात है, दरवाजा उन्होंने किसी जान पहचान वाले के लिए ही खोला होगा। उनकी जान पहचान में कौन कौन है? तो अब आप मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं, या मेरे आई पर, या अशोक काका पर, या आपके हिसाब से हम सब ने मिलकर ये प्लान किया था? सर, अगर ऐसा है ना तो एक छोटी सी डिटेल आप मिस कर रहे हैं। मेरे पास जयदेव काका की कार मिलनी चाहिए ना, वो मिली आपको? सब पता चलेगा, पता चलेगा राजा। पहले तुम हमें बताओ, और कौन जान पहचान वाले हैं तुम्हारे जयदेव काका के, जिन्होंने उन पर इस तरह से हमला किया कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला? पहले आप बताइए सर, जयदेव काका के काम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? मतलब लैंड माफिया, जंगल माफिया? नहीं। इसलिए आपको मैं मिला? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक बात प्लीज समझ लीजिए, ना मैं ना परांजपे परिवार से कोई भी जयदेव काका और आजी के मर्डर में इन्वॉल्व है। सर, वो हमारे घर के लोग थे, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमें न्याय दिलाएं, ना कि हम पर ब्लेम डालें। बेटा, हम डरे हुए हैं सर। पहले उसने जयदेव काका और राजी को मार डाला, और अब शायद हमारा नंबर होगा। क्यों डर लग रहा है तुम लोगों? कोई क्यों मानना चाहेगा तुम्हारे पूरे परिवार को? ऐसा कुछ हुआ है? और ये बात तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस औरत के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे पिताजी, जयदेव काका और अशोक काका ने उनके साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे। किस औरत की बात कर रहे हो तुम राजा? क्या वो हमसे बदला ले रही है? अगर वो इन सब के पीछे है तो आपको लगता है कि हमारी बारी भी जल्दी आएगी? मेरे पिताजी, जयदेव काका और अशोक काका की एक सगी छोटी बहन गौरी आपटे नाम है उनका, मगर अब वो कहाँ है ये हम नहीं जानते। और तुम लोगों को डर है कि शायद गौरी आपटे तुम लोगों को मार डालेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? क्योंकि वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है सर। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए शायद वो शायद पता नहीं है सर। पता नहीं ये सब सच है या वहम है या क्या है। कैसे जयदेव भाई? तुम्हारे पूरे परिवार ने गौरी आपटे के बारे में हमसे छुपाया, इसका कोई खास कारण? सर, उनके बारे में आप आई या अशोक काका से पूछिए। मैं उन्हें आखिरी बार 20 साल पहले मिला था, उसके बाद आज तक मैंने उन्हें देखा भी नहीं। जयदेव कॉलिंग जयदेव? हाँ सर, अजीब है। मैं उस औरत को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था जिसका जिक्र उस नौकरानी कविता ने किया,
ये एक नंबर मिला जिससे जयदेव परांजपी की लगातार बातें होती थी। मुझे लगा ये वही औरत होगी जिसका जिक्र नौकरानी ने किया था। आखिरी बार ये फोन 18 तारीख को स्विच ऑन हुआ था, अभी स्विच ऑफ है। और ये नंबर भी जयदेव परांजपे के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसी के एड्रेस से। और सिर्फ जयदेव परांजपे को इस नंबर से कॉल्स किए गए। हेलो, इस बंदे को इसके नंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस से ढूंढना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एड्रेस तो जयदेव परांजपे का ही एड्रेस है। सर एक ही तरीका, इस नंबर को ट्रैक करने के लिए इसकी पिन पॉइंट लोकेशंस को ट्रेस करना, जहां से कॉल्स किए गए या फिर रिसीव हुए, या जिस मोबाइल में सिम कार्ड एक्टिव था उस मोबाइल की IMEI को ट्रैकिंग पे डाल सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा सिम उसमें एक्टिव है। आकाश, ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं पापा, आज मैं खुद से चला जाऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेट से है ना। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे नए घर। और कहाँ है मेरा नया घर? पुणे में। जो मेरा घर था वो आज से तुम्हारा। हमें इंतजार था कि हम कब जयदेव परांजपे के भाई अशोक परांजपे और उनकी भाभी रोहिणी परांजपे से गौरी आप्टे के बारे में जानकारी ले सकेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी जानकारी सामने आई जो इस केस के लिए अहम थी। क्राइम सीन पर मिले उंगलियों के निशान और आशालता जी के गले से मिले हुए उंगलियों के निशान दोनों मैच कर गया इंस्पेक्टर। कुल कितने लोग शामिल थे इस हमले में? अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जयदेव परांजपे खुद काफी फिट थे, उन पर 14 इतने गहरे वार करना, मतलब बंदा जरूर तकड़ा रहा होगा, काफी मजबूत। अमित, आर यू श्योर इस एक बंदे के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? हम श्योर है सर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि इस हद तक प्लानिंग की गई हो कि दूसरा साथीदार ग्लव्स पहन के ऑपरेट कर रहा था। फोरेंसिक टीम का कहना है कि हमलावर एक ही था, शायद जवान था, फिर भी मैंने उनसे दोबारा स्कैनिंग के लिए कहा है। सर एक और अपडेट है, इस हत्याकांड के कुछ 12 दिन पहले दो जवान लड़के जयदेव परांजपे के घर की तस्वीरें ले रहे थे। CCTV में कैप्चर हुए? जी सर, फुटेज मंगवाइए। कॉलोनी के चेयरमैन ने बात बताई, वो कल ही अब्रॉड ट्रिप से वापस लौटे। सर मैं कल ही लौटा अब्रॉड ट्रिप से, मैं 15 नवंबर को गया था यहाँ से। और सर अजीब बात यह है कि 7 नवंबर को जयदेव जी मेरे पास आए थे और उन्होंने 6 नवंबर की CCTV फुटेज मांगी थी, कोई उनके घर की तस्वीरें ले रहा था सर। ये दो थे जयदेव जी? बिल्कुल यही दो थे, मैंने इनको आवाज भी लगाई तो ये भाग गए। फिर मैं तुरंत वॉचमैन लोकेश को पूछने गया, वो केबिन में था ही नहीं। अरे उसने तो इन दोनों को ना आते देखा है ना जाते। सर उस समय इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया था, इतना सीरियस नहीं लगा था तभी। हमें CCTV के फुटेज तुरंत चाहिए वसुद। पूरी कॉलोनी में फोटो घुमाई, पर कॉलोनी में तो किसी ने भी इन दोनों लड़कों को नहीं पहचाना। गुरुखबरी से कहो कि पता लगाए ये दोनों लड़के कौन है, कहीं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अशोक जी रोनी जी आ रहे हैं? यस सर। वैसे सर जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने इतनी हिंट दी कि उनकी जो छोटी बहन गौरी आप्टे 20 साल पहले उसकी किसी से शादी हुई, फिर उसने उसे छोड़ दिया किसी दूसरे के लिए, धोखा दिया। क्यों, कुछ बोले? नो सर, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोले। मैंने सोचा यहाँ आ जाएंगे तो डिटेल में बात हो जाएगी। काका जो है असलियत वो बता दीजिए, अब जो है वो है। केस के इस पड़ाव पर हमारे हाथ में कुछ भी ठोस नहीं था, ना कत्ल का मकसद, ना इस बात की भनक कि हमलावर कौन हो सकता है, ना ही इस जुर्म की मॉडस ऑपरेंडी पर कोई रोशनी पड़ रही थी।
हमारे पास जानकारी के बस छोटे छोटे टुकड़े थे, मानो वो किसी आरा पहल, किसी जिक्सो पजल के हिस्से थे, लेकिन वो सारे टुकड़े अभी जुड़ने बाकी थे। और काम मिला है भाई, ये काम करते करते हमारी जिंदगी का असली मकसद भूल जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। ये बहुत छुटकू सा काम है, दिन वेस्ट नहीं करेंगे, आज रात को ही निपटाना है। वैसे इस काम के हमें पैसे तो अच्छे मिलेंगे ना? काफी अच्छे मिलेंगे। अशोक भाव, क्या कहें हम पुलिस को गौरी के बारे में? सच बोल देते, देवराजन ने खुलासा कर ही दिया है तो और कोई चारा नहीं। आप जानते हैं गौरी कहाँ है? ये दोनों है, इनके थोपड़ों के अलावा कोई और जानकारी नहीं है इनके बारे में। ये दोनों तो कॉलेज स्टूडेंट टाइप लगते, पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी इसलिए कांड किया होगा। जो भी हो, हिस्ट्री नहीं है इनकी, मतलब नए खिलाड़ी हैं। और एक बात पक्की है कि जयदेव परांजपे की घर की फील्डिंग इन दोनों ने की थी, अब बैटिंग बॉलिंग की या नहीं ये पता करना है। सर, जो जयदेव परांजपे वाला दूसरा नंबर है ना, आपकी टर्मिनोलॉजी में जयदेव कॉलिंग जयदेव, उस नंबर के फोन का आई एम आई ट्रैक किया है। इट्स अ स्मार्टफोन सर। इस फोन को सर्वेलेंस पे डाल दो जगदीश, अगर इस फोन में कोई नया नंबर एक्टिव होता है तो अच्छा है हमारे लिए, वरना फोन और सिम की लोकेशन ट्रैक करके एड्रेस तक पहुंचना होगा। अशोक जी, आपकी बहन गौरी आपटे से आप सबको खतरा महसूस हो रहा है कि अगला टारगेट आप में से कोई भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है गौरी आपटे के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं हमें बता दें। दरअसल आप लोगों को इस बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने तो गौरी आपटे के बारे में जिक्र तक नहीं किया। क्या जिक्र करते मैडम, 20 साल से हम में से किसी ने भी एक बार भी फोन नहीं किया गौरी को। हमने गौरी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसा क्या किया था गौरी आपटे ने? 20 साल पहले गौरी की एक अच्छे आदमी से शादी हुई थी, पुरुषोत्तम आपटे, वो बहुत अच्छा आदमी था। एक साल भी नहीं हुआ था शादी को, गौरी ने पुरुषोत्तम को छोड़ दिया और वो किसी समीर अधिकारी के साथ भाग गई। बस एक चिट्ठी छोड़ के गई और लिखा है कि मैं जा रही हूं, कहां क्यों कुछ नहीं लिखा। पुरुषोत्तम, ऐसे कैसे चलेगी गौरी बिना कुछ बताए? अरे कुछ तो लिखा होगा ना। चिट्ठी में लिखा है कि उसे और कोई मिल गया है। कौन? नाम तो नहीं लिखा, पर लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बहुत गलत किया गौरी ने, ऐसी शर्मनाक हरकत आई। कहाँ चली गई गौरी, ऐसे कैसे चली गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहक गई होगी गौरी, मतलब क्या बात है, हमें उसे ढूंढ कर उसे समझाना चाहिए। पुरुषोत्तम अच्छा आदमी है, आई एम श्योर वो उसे माफ कर देगा। नरेश बाबू, आइए उसे ढूंढते हैं। ढूंढा उसे जाता है जयदेव जो खो गया, गौरी का यूं किसी को बिना बताए जाना, चिट्ठी में लिखना कि उसे ढूंढा ना जाए, इससे एक बात साफ होती कि उसने ये बहुत सोच समझ कर और अपने होशो हवास में किया, कोई बैकी बैकी नहीं है वो। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गौरी को कभी जान ही नहीं पाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई और ही है। अभी तो आपने हमसे कहा कि पिछले 20 साल से आपकी गौरी से बात नहीं हुई और उसने चिट्ठी में भी इस बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो किसी समीर अधिकारी के साथ भागी थी? क्योंकि 10 साल पहले समीर अधिकारी हमारे पास आया था। गौरी ने विश्वासघात किया मेरे साथ, जॉइंट अकाउंट साफ, घर का पूरा सोना साफ, इतना भरोसा किया, इतना बड़ा धोखा दे गई। ओ समीर अधिकारी, ये धोखेबाजी की बात ना तुम तो ना ही करो, तुम और गौरी ने मिलकर उस पुरुषोत्तम को बर्बाद कर दिया था, भूल गए? हमें तो अभी अभी तुमसे ही पता लगा कि वो तुम्हारे साथ भागी थी। वो 10 साल पहले हुआ था, तब हुआ था, अब ये बात को मायने नहीं रखती। हमारे लिए हमेशा मायने रखेगी,
जब इज्जत जाती है ना तो हमेशा के लिए जाती है। जो अपने पति के साथ धोखा कर सकती है वो अपने प्रेमी के साथ भी तो धोखा कर सकती है। एक बात समझ लो आप लोग, मैं उस पुरुषोत्तम की तरह कोई फट्टू चंद नहीं हूं जो मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दें। गौरी को तो मैं जानूम से भी ढूंढ के लाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा साली को कि भागना तो दूर चलने तक के भी लायक नहीं रहेगा। समीर, तुम संभाल के बात करो, मत भूलो मेरी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हो तुम। अगर गौरी को तुम्हारे कारण कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। बस इतना कर दो, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, फिर गौरी कहां भागी किसके साथ भागी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। 10 साल से उसने हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखा है तो अब क्या रखेगी? और तुम कह रहे हो कि वो धोखा देकर भागी है तो क्या वो यहां आने वाली है? सुनो, वो हमारी अब कुछ नहीं है, हमारी कोई बहन थी नहीं। तुम्हें काय सांगता भाव, हमारे लिए कोई कैसे नहीं है, गौरी छोटी बहन है हमारी। चुप कर जाए, इतना कुछ हो गया फिर भी तू ये बात बोल रहा है? आई मैं मानता हूँ कि गलती की गौरी ने, इन गलतियां इंसान से ही होती है। गलती करने के 10 साल बाद भी जिसे अपनी गलती में पछतावा ना हो वो गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है जयदेव। भाऊ हमने कभी गौरी का पक्ष सुना ही नहीं, हो सकता है गौरी की कोई मजबूरी रही हो। धोखेबाजी मजबूरी नहीं, फितरत में होती है, क्या पता वो कल हम सब लोगों को बर्बाद कर दे। कुछ भी बोल रहे हो भाऊ। अशोक बिल्कुल सही कह रहा है, गौरी इस परिवार का हिस्सा नहीं है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गौरी कहां है, क्या कर रही है, किस नए को ठग रही है। एक जयदेव भाऊ ही थे जो गौरी को याद करते थे, इन तीनों भाइयों में वही गौरी के करीब थे। रोहिणी जी, क्या गौरी आपटे जयदेव जी के साथ टच में थी? हमें जयदेव के फोन रिकॉर्ड से एक नंबर मिला है जो जयदेव के नाम पर ही लिया गया था और उस नंबर से सिर्फ जयदेव से ही बातें हुई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी वो पुश्तैनी कोठी, उसके बंटवारे में क्या गौरी आपटे को इससे बाहर रखा गया था? बाहर रहने के लिए अंदर होना जरूरी है, गौरी अब हमारे लिए कोई नहीं है। इस बीच गौरी ने कभी आप लोगों से कांटेक्ट किया, अपने हिस्से अपने हक की बात की? हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, पिछले 20 सालों में ना हमने उसकी आवाज सुनी और ना उसका चेहरा देखा है। रोहिणी जी, क्या पता 21वें साल में वापस आ गई हो, क्या उसे इस हिस्से से बाहर रहने वाली बात पता थी? गुस्सा थी वो? हमें भी इसी बात का डर है कि कहीं गुस्से में गौरी ने। अशोक जी, आपके पास समीर अधिकारी का नंबर या एड्रेस होगा? सिर्फ इतना पता है कि वो मुंबई का है, जब वो 10 साल पहले आया था तो उसने मुझे फोन नंबर दिया था। गुरु भाई, मैंने फोटो देखते ही बोल दिया था ना, ये दोनों लड़के स्टूडेंट लगते हैं। बोल, मिले क्या दोनों? यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, रेंजिल एरिया में किराए पर रहते हैं। सीसीटीवी बन जा, नजर हटनी नहीं चाहिए दोनों से। बेटर जो भी हो, मुझे गौरी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है किसका मर्डर हुआ, किसने किया, गौरी का क्या कनेक्शन है, मेरे अनुसार कोई भी लेना देना। रुके समीर जी, फोन मत काटिए, आपकी बात पुलिस से हो रही है, किसी कॉल सेंटर से नहीं। क्या क्या पूछना है? गौरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मिस्टर अधिकारी, हमारे लिए बहुत जरूरी है गौरी तक पहुंचना। मेरे लिए भी जरूरी था लेकिन 10 साल पहले, तब से वो मेरी जिंदगी से गायब है। अब इसके आगे मुझे कुछ भी कहना सुना नहीं। लेकिन हेलो मिस्टर अधिकारी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? जोड़ीदार? ये क्यों, क्यों सर, क्या वो? समीर अधिकारी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। एक टीम लेकर मुंबई निकलो, टटोलो इस समीर अधिकारी को, हमें गौरी आपटे तक पहुंचना है। वो एक है जिसका मोटिव नजर आ रहा है इस क्राइम में, वो इस क्राइम की मास्टरमाइंड हो सकती है। आई तुम डरना मत, पता नहीं मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। क्या हुआ राजन? कोई भी बेल बजाए दरवाजा मत खोलना, अगर कोई अजनबी हो तो अंदर से ही पूछ लेना क्या काम है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से भी कह के रखता हूँ। ठीक है बेटा। और अगर कोई कुरियर वाला भी हो, कहे मेरा पार्सल वार्सल है, फिर भी दरवाजा मत खोलना। Thank you.
हम तो यूं ही गए थे आकर कर कॉलोनी सर। सर कोई रूल है क्या सर? सर उस हाउसिंग कॉलोनी में एंटर नहीं कर सकते। बेटा सवाल हम पूछेंगे, अपनी कहानियां तैयार रखो। आपके कहने पे हमने सारे फिंगरप्रिंट्स को दोबारा स्कैन किया। हमारे हिसाब से तो एक ही अटैकर था। उंगलियों की चौड़ाई और पंजे के साइज से तो यही लगता है कि अटैकर कोई मेल ही था। मेल ही था? गलती की कोई गुंजाइश अमित? ना के बराबर सर। लेकिन क्यों, आपके रडार में कोई फीमेल है क्या? हाँ, विक्टिम आशालता की बेटी जयदेव की छोटी बहन गौरी आप्टे। वो अब तक इस केस की एक मिसिंग कड़ी है। वैसे उसके पास मर्डर का मकसद तो है। हमने दो लड़कों को भी हिरासत में लिया है जो जयदेव के घर पर नजर रखे हुए थे। वैसे जयदेव और उनकी माँ आशालता किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। शायद अजनबियों के साथ कोई पहचान वाला हो, जैसे कि ये गौरी आप्टे। कितना आएगा इसका? इन सब का बिल आ गया भाई। बिल तो नहीं है, गुम हो गया कहीं। एक डेढ़ साल पहले खरीदा था, अभी नया कैमरा और लेंसेज भी खरीदे तो अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं। वारंटी कार्ड तो होगा? ऐसे चांसेस की तो 2 साल वारंटी होती है। हाँ जानता हूँ वारंटी होती है, लेकिन कार्ड वार्ड है नहीं मेरे पास, गुम हो गया कहीं। या तुझे जो सही लगता है वो दे दे, वैसे भी घर पे पड़े पड़े सब सड़ गए। अगर कॉलोनी क्यों गए थे तुम दोनों? कोठी नंबर 7 जयदेव परांजपे के घर के फोटोग्राफ्स क्यों ले रहे थे? हम किसी के घर की फोटो क्यों लेने लगे सर? हमने कोई फोटो वोटो नहीं ली। सर हम पटना से बिलोंग करते हैं, इधर MSc कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इस मर्डर वर्डर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सर। सर आप हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई फोटो नहीं ली। अपने फोन घर पर छोड़कर 18 नवंबर की रात को जयदेव परांजपे के घर जाके तुम दोनों ने एक कांड किया। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने अपने पीछे कोई निशान को फुटप्रिंट नहीं छोड़े। फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट सब है हमारे, सबकी स्कैनिंग होगी। तुम दोनों बुरे फंसे हो। अब सच सच बता दो, इस कांड को करने के लिए किसने पैसे दिए थे तुम्हें? क्या बोल रहे हैं सर आप, हम तो बस पार्क में घूमते घूमते कॉलोनी में चले गए थे। हमने सोचा कि कोई शॉर्टकट होगा बस। और मोबाइल से फोटो इसलिए ले रहे थे क्योंकि नई जगह थी, हम पुणे में नए हैं सर। हाँ सर, हमारे फोन में सारी फोटोज होंगी, अगर आप चाहें तो सामने से चेक कर सकते हैं। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम दोनों को, अपने बॉस का नाम बता दो। अभी तक तुम इनकार कर रहे हो, पर अब तुम्हारे करतूत के सबूत तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। सर ये तो आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस स्टूडेंट्स हो ना तुम दोनों, फॉरेंसिक रिपोर्ट आसानी से पढ़ लो, तब खुद डरोगे कि हमारे साथ अब क्या क्या हो सकता है। देखो मैं जानता हूं तुम दोनों सिर्फ मोहरे हो, इसलिए अपने मास्टरमाइंड का नाम बता दो, अपनी हेल्प करोगे, वरना सारा का सारा जिम्मा तुम दोनों के सर पे आएगा। अब हमारी तहकीकात को एक मंजिल मिल गई थी, गौरी आप्टे। मुंबई से गौरी आप्टे के बारे में एक और खुलासा होने वाला था। मोहनीश और नीलेश सच बोल रहे थे या नहीं ये हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे पास क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स थे जिन्हें हम उनके फिंगरप्रिंट्स से मैच करने जा रहे थे। जलाराम कॉलोनी फड़के रोड, दोबारा बोल रहा हूँ, जलाराम कॉलोनी फड़के रोड। हमारे हाथों में जो था उसके अलावा इस डबल मर्डर केस के 2 और अहम पहलू हमारे सामने आए। पहला था जयदेव परांजपे की कार, जिसकी शिकायत एक लोकल पुलिस स्टेशन में की गई थी उस हाउसिंग कॉलोनी से जिसके बाहर वो कार पार्क थी, और वहां किसी को पता नहीं था कि वो कार किसकी है। और दूसरा पहलू था जयदेव कॉलिंग जयदेव वाला रहस्य। हेलो सर, जगदीश साइबर सर, एक गुड न्यूज है सर, जयदेव परांजपे का दूसरा नंबर हमने ट्रैक कर लिया। कोई दूसरा नंबर एक्टिव हुआ है मोबाइल पे? नहीं सर, पर हमने इंस्ट्रूमेंट की परचेज इनवॉइस से ट्रैक कर लिया। कारवे रोड का एड्रेस है, किसी उर्मिला वाडिकर के नाम। सर कार का नंबर अलग है, लेकिन कार की डिटेल्स जयदेव परांजपे की कार से मैच हो रही है, जो हमारे सिस्टम पर फ्लैश हुआ था। कार में कोई पेपर नहीं मिले, लेकिन सर्विस बुक मिला है जो जयदेव परांजपे के नाम की है। बढ़िया गया, तुरंत कार को हमारे थाने भेज दो। उर्मिला वाडेकर? हो सर, बोला। जयदेव परांजपे, अब ये तो कहना ही मत कि आप उन्हें नहीं जानती थी। गौरी के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी,
और ये बात मैं पहले ही आपको फोन पे बता चुका हूँ। हमने आपको कोई चॉइस नहीं दी है मिस्टर समीर अधिकारी, आपको हमसे बात करनी होगी। हमारा काम है सच तक पहुँचना, जो कि आप हमसे छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं, गौरी ने मुझे छुपने लायक तक भी नहीं छोड़ा था। मुझे तो उसके नाम से चिढ़ होगी और आप उसके बारे में पूछने के लिए यहाँ तक आ गई। आप इस तरह मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए मिस्टर अधिकारी, दो दो मर्डर हुए और हमें शक है कि शायद ये मर्डर गौरी आपने नहीं करवाए, और आप हमें उसके बारे में काफी कुछ जानकारी दे सकते हैं। देखिए हमारा इरादा बिल्कुल भी आपको परेशान करने का नहीं है। नंबर प्लेट चेंज किया गया सर। गाड़ी शहर से बाहर ले जाने का इरादा होगा, फिर आइडिया ड्रॉप क्या होगा? कांस्टेबल गायतुंडे ने बताया कि जलाराम कॉलोनी में काफी गाड़ियां पार्क रहती हैं। हत्यारे ने सोचा होगा कि उन्हीं गाड़ियों के बीच जयदेव की ये गाड़ी छुप जाएगी। जयदेव परांजपे आपके गुड फ्रेंड थे। उर्मिला जी, हम पुलिस वाले हैं, पेज थ्री पत्रकार नहीं। जो आपने गुड फ्रेंड बोल दिया और हमने गुड फ्रेंड छाप दिया। जयदेव परांजपे के नाम पे ली गई सिम कार्ड से आप उन्हें रोज़ फ़ोन करती थी, वो भी आपको फ़ोन करते थे। कभी कभी लंबी घंटों नॉन स्टॉप बातें होती थी, और सिर्फ गुड फ्रेंड। सोनी, इनके पति हैं पवन वाडेकर, बुला के लेकर आओ। अफेयर था मेरा और जयदेव परांजपे का, अफेयर था। आप दोनों की ये गुड फ्रेंडशिप, सॉरी अफेयर, कब शुरू हुआ? हम 3 साल पहले मिले थे, पहले पहले गुड फ्रेंड ही थे, धीरे धीरे करीब आए। हम अक्सर मिलते थे, ढेर सारी बातें भी हुआ करती थी। वो दूसरे सिम कार्ड वाला आइडिया जयदेव का ही था। तो मिला है कि तुम्हारा नया सिम, तुम जितना चाहो जब चाहो उससे बात कर सकती हो, तुम्हें आसानी रहेगी। जानते हो जयदेव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि मिले तो सही, सोचो अगर मिले ही ना होते तो जिंदगी क्या होती। और जाहिर है कि जयदेव कॉलिंग जयदेव का मकसद ये था कि आपके पति पवन से आप दोनों के अफेयर की बात छुपी रहे। कौन सी शादीशुदा औरत चाहेगी कि उसके अफेयर की बात उसके पति को पता चले? तो उर्मिला जी, आपने जयदेव और उनकी माँ के मर्डर के बारे में तो अखबार में पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसके अगले ही दिन आपने जयदेव का दिया हुआ नंबर बंद कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं गई। क्या लगा आप ऐसा करेंगे तो हम आप तक पहुँच नहीं पाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। रही बात जयदेव के अंतिम संस्कार में ना जाने की, तो अगर मैं वहां जाती तो मेरे पति पवन का शक मुझ पर बढ़ जाता। क्या आपके पति पवन को आप पर शक था? जी, वो मेरा पीछा करते थे। मुझे ऐसा लगता था सर कि उन्हें मुझ पर शक है, क्योंकि कहने के लिए वो ऑफिस के लिए निकलते थे, पर मैंने कई बार नोट किया कि वो मेरा पीछा करते थे। आपके पति पवन को आपके और जयदेव जी के अफेयर के बारे में मालूम था? मैं श्योर नहीं हूँ सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था। जब जब मैंने जयदेव के मर्डर के बारे में पढ़ा, मुझे ऐसा लगा सर कि ऐसा कई बार लगा। क्या लगा?
ऐसा लगा सर कि उनका मर्डर मेरे पति नहीं करवाया। के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दे, आपकी फेवरेट। हाँ बनाओ, मेरी सबसे फेवरेट। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ सर, कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पता चल गया है। और आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे। नंबर और एड्रेस? मेरा छोटा भाई है पीयूष, आप उससे बात कीजिए, शायद उसे पता होगा ये गौरी कहाँ है। आपका छोटा भाई कहाँ मिलेगा ये? जहन्नुम में। उस कमीनी गौरी ने मुझे धोखा दिया, मुझे लूट के भाग गई, और भागी किसके साथ? मेरे सगे छोटे भाई के साथ। और ये बात मुझे उसके भागने के पूरे 6 महीने बाद पता चली कि साली मेरे छोटे भाई के साथ भागी। आप जाइए पीयूष से बात कीजिए, अगर गौरी ने उसे भी धोखा नहीं दिया होगा ना तो जरूर वहीं मिलेगी। इस पीयूष का नंबर और एड्रेस दीजिए। ये स्टूडेंट्स निलेश मिश्रा और मोनिश झा, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स और आशालता जी के गले से मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते हैं। हथियार इन दोनों में से कोई नहीं है सर, लेकिन हाँ आपके लिए एक लीड है। अमित कोई सॉलिड लीड चाहिए मुझे। ये लीड हमें जयदेव के कार के नंबर प्लेट से मिली है। नंबर प्लेट तो ऑब्वियसली जाली है, लेकिन नंबर प्लेट के पीछे उस दुकान का हॉलोग्राम बना हुआ है जहां से ये नंबर प्लेट बनवाई गई थी। रोशन ऑटो वर्क्स ऑन बिंधारी चौक का एड्रेस है सर। एड्रेस तुरंत टेक्स्ट करो। पवन वाडेकर, जयदेव परांजपे के घर तुम खुद अकेले गए थे या किसी को भेजा था? मेरा अंदाजा, मेरा शक सही था, यही था वो। उर्मिला कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस जयदेव परांजपे मर्डर केस से जुड़ी हर एक खबर उसने पढ़ी, बार बार पढ़ी। उर्मिला को भी शक हो गया होगा कि तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है, और उस रात तुम अगरकर कॉलोनी गए और निकाल दिए अपने पड़ोस जयदेव और उसकी बूढ़ी मां पर। उसने ये अफेयर किया क्यों? वो कब से चल रहा था ये? तुम्हारा साथीदार कौन था पवन? कॉलोनी के CCTV में जयदेव की कार में हमें एक ही आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे गर्म पानी नहीं होता मुंह में, नहीं आप उसे निगल सकते हो, नहीं थूक सकते हो, बिल्कुल वैसे ही फील होता है सर जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बीवी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। आप उसे सीधे मुंह पूछ भी नहीं सकते हो, लेकिन मन ही मन में घुटन होती है कि कौन है वो आदमी, वो जिल्लत, वो जलन, वो दर्द, वो मर्डर। जयदेव और उसकी मां का मर्डर तुमने ही किया ना पवन? शायद किया होता। शायद नहीं, पक्का तुमने ही किया। सर मेरे बेटे आकाश की 12वीं के एग्जाम है, उसे इस गंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, उस पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। ये दोनों मर्डर तुमने खुद किए या किसी को सुपारी दी थी? मैंने उर्मिला का फिर किसके साथ ही ये ढूंढने की बहुत कोशिश की, पीछा किया था उसका, लेकिन नहीं पता कर पाया। लेकिन शायद वो जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, बहुत चालक है वो, बहुत चालक है वो। बताइए ना कब से चल रहा था ये? तुम बोलो पवन, इस मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही है? जब तक आपको पक्का पता नहीं चलता कि कौन है वो, तब तक एक बेचैनी सी रहती है जो अंदर ही अंदर आपको कुरेदती है।
लेकिन उन हालत में भी एक धुंधली सी आशा कायम रहती है कि शायद आप गलत हो, शायद आपका शक जो है बेबुनियाद हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि कोई है, कोई और है, तब एक धक्का लगता है, आप गिर जाते हो। तेरे यहां बनी है? हाँ साहब, ये नंबर प्लेट मेरे ही बना है। जाली नंबर है, बिना आरसी बुक के कैसे बना ये नंबर प्लेट? जाली है। अब भुला मत बन, इतना कुटेगा कि सारे पुर्जे हिल जाएंगे तेरे। गलती से बन गया होगा, इमरजेंसी में कोई आया होगा, आरसी बुक भूल गया होगा, क्या कोई लफड़ा हुआ साहब? दो मर्डर हुए हैं। किसने बनवाई थी ये नंबर प्लेट? कोई रजिस्टर मेंटेन करता है या फिर लॉकअप में सिखवाऊँ रजिस्टर मेंटेन करना? है सर, एक मिनट सर, रजिस्टर है सर। ये रहा साहब, पुष्कर नाम था साहब। आपन डायल केलेला नंबर अस्तित्वात नाही। नंबर अस्तित्व में नहीं है, जाहिर सी बात है नाम भी अस्तित्व में नहीं होगा। सर सर सर, सब कुछ जाली हो सकता है, लेकिन मैं सीसीटीवी लगाया सर, सीसीटीवी में पक्का चेहरा छपा होगा सर, देखकर ही पहचान लूंगा। ऐसे बहुत कम आते जो अपने साथ आरसी बुक नहीं लाते साहब। 21 नवंबर की तुरंत फुटेज निकाल के दे। हाँ साहब। ये रहा साहब, मुझे सब याद आ रहा सर, ये बोला था आरसी घर भूल गया और अर्जेंट में नंबर प्लेट बनवाना है। एक बात पूछूं? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, कहीं मेरे पति ने मेरी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी तो? काजल, देखो वो कंप्लेंट करे या ना करे वो उसका लुकआउट है, लेकिन मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नई जिंदगी अलग होगी काजल, डोंट वरी। तुम शादी कर लेते हैं ना, मुझे तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना है। मिलोगी, बहुत जल्दी मिलोगी। नहीं सर, हम नहीं जानते इसे, कौन है ये? जयदेव की कार पर जो जाली नंबर प्लेट लगे मिले वो इसी ने बनवाई थी। वो गौरी का कुछ पता चला आपको? अभी नहीं, पर एक और संदिग्ध उभरा है इस केस में, पवन वाडेकर। इस पवन वाडेकर के बीवी उर्मिला के साथ अफेयर था जयदेव जी का, और आपको लगता है कि पवन वाडेकर ने अजय और काका को मरवाया? देखिए, इस वक्त कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, हमारे पास किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पर ये बंदा इस केस से जुड़ा जरूर है, कैसे भी करके हम इसे ढूंढ निकालेंगे और पता लगाएंगे कि जयदेव के साथ इसका क्या कनेक्शन था, क्या बैर था। क्या कह रहे हैं आप मुझसे गौरी के बारे में बात करना चाहते हैं? देखिए मैडम, गौरी मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे ये पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। 5 साल पहले वो मुझे लूट कर फरार हो गई थी, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। एक मिनट, 20 साल पहले गौरी आप्टे ने अपने पहले पति पुरुषोत्तम आप्टे को छोड़ा आपके भाई समीर अधिकारी के लिए, और 10 साल पहले उसने आपके भाई समीर अधिकारी को छोड़ा आपके लिए, और अब आप बता रहे हैं कि 5 साल पहले उसने आपको छोड़ा किसी और के लिए। अब किसके साथ भागी है गौरी? देखिए, अगर मुझे पता होता वो कहाँ है तो मैं जाकर क्या उससे अपने पैसे नहीं निकला लेता, उसे थाने में बंद नहीं करवा देता अब तक? मैडम, वो जिसके साथ भागी होगी ना, अब तक उसे भी छोड़कर भाग चुकी होगी, क्योंकि बेवफाई और चीटिंग उसकी रग रग में बसी है। सर, जाली नंबर प्लेट बनवाने वाले के पीछे गुरु खबरी की टीम लगी हुई है, लेकिन सर ये उर्मिला का पति पवन वाडेकर लगता तो है चोट खाया हुआ इनोसेंट बंदा, जो ये पता ही नहीं कर सका कि उसकी बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा था, या फिर ये बहुत तगड़ा एक्टर है और ड्रामा कर, पर जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस नकली नंबर प्लेट बनाने वाले ने सुपारी ली होगी, शायद यही हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता है। सर सही, गौरी आपने ये सीरियल चीटर लगती है, फिर बिना गोली के पिस्टल है या बिना पिस्टल के गोली, यहां से वहां, वहां से यहां, सबको धोखा देकर चकमा देकर भागी है।
सर अब तो इसका सोर्स ही मिलना मुश्किल है कि लास्ट किसके पास हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी के कंधे पे बंदूक रख के किसी और ने फायर किया? गौरी के कंधे से गोली, राइट। हो सकता है गौरी का नाम एक कंधा हो, शायद गौरी कहीं हो ही ना, क्योंकि वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है सर। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए शायद वो, शायद पता नहीं ये सब सच है या वहम है या क्या है। ये गोली या गुगली जो भी है, राजन ने हमें दी बातों बातों में। शायद वो जानता था कि गौरी हमें कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन वो जाली नंबर प्लेट बनवाने वाला बंदा तो असली है, असली गोली ये हमें पहुंचाएगा असली ट्रिगर तक, केस के मास्टरमाइंड तक। ये केस अब हमें एक घुमावदार रास्ते पर ले जाने वाला था, उस आदमी तक पहुंचाने जिसने जाली नंबर प्लेट बनवाई थी। पर इस आदमी का जयदेव परांजपे या उनकी मां आशा लता जी से क्या रिश्ता था, ये अभी तक एक रहस्य था। पर हम आगे बढ़ रहे थे उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जो इस डबल मर्डर का खुलासा करती, उस आदमी तक हमें ले जाती जिसने उस रात जयदेव परांजपे के घर की घंटी बजाई थी। कौन है? मैं हूं सर। मैं कौन? नाम बोलो अपना। दरवाजा तो खोलिए सर। कौन? तुम्हारे आने की क्या हिम्मत की? जयदेव, जयदेव, कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछ रही हूं कौन हो तुम? हमारी ये थ्योरी भी सही थी कि उस रात कातिल पार्क की दीवार फांदकर ही कॉलोनी में दाखिल हुआ और जयदेव परांजपे की कोठी तक पहुंचा। आखिरकार कौन था ये शख्स? साहब, आपके बंदे का नाम सुनील गावड़े है, इसका नंबर हाथ लगा है लेकिन आउट ऑफ सर्विस एरिया है। हाँ, इसे घर का एड्रेस पता चला है। कहाँ है उसका घर? पासपोर्ट में सोलापुर का एड्रेस है। सोलापुर से लाया गया था बंदा? सोलापुर का हिस्ट्री शूटर है तो तेरे हाथ कैसे नहीं लगी इसकी हिस्ट्री? नहीं साहब, कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ के एक वीजा एजेंट से इसका कच्चा चिट्टा हाथ लगा है। मेरा बंदा जावेद घूमते घूमते एक वीजा एजेंट के टच में आ गया, उसी ने सुनील गावड़े को पहचान लिया साहब। इस वीजा एजेंट का और सुनील गावड़े का कुछ लफड़ा हुआ था साहब। हाँ, मैंने आपके बंदे को बताया था कि मैं सुनील गावड़े को जानती हूँ, बहुत ही अजीब कैरेक्टर है। और बताइए उसके बारे में। ऐसे बताने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं। सुनील गावड़े ने हमसे यूके का टूरिस्ट वीजा करवाया था, टू वे टिकट्स होना जरूरी है। इन्होंने लंदन जाके रिटर्न टिकट दिखाया नहीं तो लंदन से इसे वापस भेज दिया गया। बस तब से लेके रोज यहाँ धमक जाता है, चिल्लाता है, पुकारता है। प्लीज अभी के अभी लौटा दो, मुझे मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट अभी के अभी चाहिए। चलो बनाओ चेक। नील जी प्लीज अंडरस्टैंड, हमने आपका टूरिस्ट वीजा बनाया है, वर्क परमिट नहीं। मुझे वर्क परमिट वीजा ही चाहिए था, टूरिस्ट वीजा नहीं। मुझे लंदन काम करना था, घूमने नहीं जाना था वहाँ। आई अंडरस्टैंड सुनील जी, गलत है ना, लेकिन आपने टूरिस्ट वीजा का फॉर्म भरा था, हमने सारा पेपर वर्क सारी फॉर्मेलिटीज टूरिस्ट वीजा के हिसाब से किए हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम, आप मुझे अभी के अभी मेरा नया वर्क परमिट वीजा बना के देंगे नहीं तो मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो। सुनील जी प्लीज काम डाउन, आप बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं। यूके वीजा इज नॉट एन इजी वीजा टू गेट, इट्स अ वेरी टफ वीजा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस होता है। मुझे जो मिला है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे मेरे सारे पैसे अभी के अभी लौटा दो नहीं तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा एंड आई विल टेक योर कंपनी टू द कंज्यूमर कोर्ट। ओके? बस तब से आए दिन यही धमक जाता है, बकवास करता है, लड़ाइयां करता है, हंगामा मचाता है ऑफिस में। लास्ट वो 17 नवंबर को आया था। 17 नवंबर डेट आपको पक्का याद है? हाँ भाई, ट्रैवल एजेंसी है, डेट और टाइम से हम रोज खेलते हैं। पंद्रह जुलाई की फ्लाइट ली थी मुंबई एयरपोर्ट से लंदन की, स्टैंप पे, और वहां से उसी दिन रिटर्न फ्लाइट से डिपोर्ट हुआ है। Say, listen, let me explain. Officer Johnson, please report to immigration counter immediately. उसका अभी का नंबर या पता कुछ भी हाथ नहीं लगा अभी तक। सोलापुर धावा बोलते, इस एड्रेस पर कोई ना कोई तो मिलेगा ही।
कोई नहीं तो पड़ोसी तो होंगे ही। साहब कुछ मिला मोरे? जी साहब। साहब वो बंदा जिसने नकली नंबर प्लेट बनवाया था। हाँ उसका नाम पता चला हमें, सुनील गावड़े। तुम्हें कुछ और पता चला? वो पार्क वाले अंकल है ना गौतम जी, वो लाफ्टर क्लब वाले अंकल। हाँ उन्हें कुछ याद आया? वो ही सुनील गावड़े का फोटो देखते पहचान गए। याद आ रहा है, इस लड़के को मैंने जयदेव के साथ देखा था। बोल किसके लिए काम कर रहा है तू? अपने आप के लिए काम करता हूँ। हाथ पहले नाम बोल। जयदेव अरे क्या चल रहा है? जयदेव जयदेव अरे बोल बोल तू हाथ किसको लगा? अरे बोल पहले नाम बोल पहले हाथ किसको लगा तू? तो जाना बाबा क्या चल रहा है ये? तू जा यहाँ से। अरे ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? पता है हमें, पता है, तू चुप रह। तू जाना बेटा यार, प्लीज माफ कर, चल जा। तेरे को ना देख लूंगा, रुक। तो जा रहे मैं, तू रुक से। चल 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 चल। क्या हुआ? कौन था ये लड़का? अरे मला माहित नहीं भाऊ, कब से मेरा पीछा कर रहा था। अरे इस तरह से कोई पीछा करता है उसका मतलब कोई तो काम है ना? मुझे नहीं मालूम भाऊ, कल भी शायद मेरे कॉलोनी में आया था ये, पता नहीं कौन है। सर गौतम जी को बाकी कुछ याद नहीं, बस इसका चेहरा देखकर पहचान गए। जयदेव को भनक थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। सर वो दो स्टूडेंट्स नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, जयदेव जी ने उन पर भी शक किया पर कुछ नहीं निकला, बेकारी शक किया उन पर। मुझे लगता है सुनील गावड़े जरूर इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में। सोलापुर के लिए निकले, देखते हैं क्या स्टोरी है सुनील गावड़े। जी सुनील गावड़े यहीं रहता है? हाँ सुनील मेरा बेटा है। बुलाइए उसे। आप लोग कौन है? पुणे पुलिस। कहाँ है सुनील? सुनील यहाँ नहीं है, लंदन में है, जॉब कर रहा है। कब से जॉब कर रहा है लंदन में? जुलाई में गया था तो 5 महीने हो गए। लंदन वाला नंबर दीजिए जरा जिस पर आप लोगों की बात होती है। पहले कारण तो बताइए कि बात क्या है। आप पहले नंबर दीजिए, हम कारण भी बताते हैं। सर ये सुनील अपने माँ बाप को भी चुना लगा, यहाँ का नंबर इस्तेमाल करके लंदन का झांसा दे रहा है कई महीनों से। हमने लंदन का नंबर मांगा तो यहीं का कोई नंबर मिला। सुनील का नंबर SMS करो, अब धरते हैं इसे। सुनील के माँ बाप को भी यहाँ ले आओ और याद रहे वो सुनील को कुछ भी इन्फॉर्म ना कर पाए, ठीक है? जी सुनील गावड़े है घर पे? जी है। लो सुनील, सुनील। हाँ गुड न्यूज है तेरे लिए सुनील, तेरा लंदन का वर्क परमिट लग गया है। आजा सोलापुर से तेरे माँ बाप को भी बुलाया है, उन्हें भी पता चला है कि लंदन से तू लौटा है। ओ साहब आएगा ना साहब, प्लीज आपको जो चाहिए वो मैं सब बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को वापस सोलापुर भेज दो सर, इस संगाना है ना साहब। चल ओ साहब प्लीज। क्यों तेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए तेरे डबल मर्डर कांड के बारे में? साहब आपको जो चाहिए वो मैं बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को इस सबसे दूर रखो प्लीज। क्राइम सीन पर और आशा लता जी के गले पर मिले उंगलियों के निशान सुनील गावड़े की उंगलियों के निशान से मैच हुए। इस डबल मर्डर का हत्यारा सुनील गावड़े ही था। तूने सुपारी ली थी? बोलो किसका नाम लेना है, ले लेता हूँ। क्यों मारा? दिमाग गरम था। कारण क्या था? बहुत कारण थे सर, मुझे UK जाना था, इसलिए आई बाबा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। एक दोस्त मिला, बोला UK में काम दिलाएगा, कैसे दिलाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रैवल एजेंसी में लेके गया सर। लंदन एयरपोर्ट से मुझे लात मार के भगा दिया, मालूम पड़ा ये लोगों ने वीज़ा में गड़बड़ी कर दी है, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे सब। एक लड़की से प्यार करता था, काजल नाम है उसका, उसको अपने पास रखना था, उसकी लाइफ भी झंड थी सर, बहुत कारण थे सर। कत्ल करने का क्या कारण था सुनील? जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था तेरा? तो मैंने उस जयदेव का क्या बिगाड़ा था,
चुपचाप वहां गार्डन में फोन पे बात कर रहा था अपनी आई बाबा के साथ, वहां वीजा ऑफिस में झगड़ा कर आया था। दिमाग गरम था और इस आदमी ने गरम दिमाग में घी डालने का काम किया सर। नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ करता हूँ, मेरी सैलरी अब तक हाथ में नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएगी, जैसी आती है मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। साहूकार तो अभी तू तड़क पे उतर आया है। बाबा मेरे भी यहाँ पे 10 टेंशन चल रहा है, अभी मैं काम करूँ या फिर नहीं। नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये काम हो जाएगा, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ ऐसे ही थोड़ी ना बैठा हूँ, बस कुछ दिन और, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली है, बहुत जल्दी मैं लौट कर आपको सब कुछ। हाय साला का क्या हो रहा है ये? फोन दे मेरा इधर, फोन दे। कब से मेरा वीडियो उतर रहा था? मेरा वीडियो, मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? मेरा वीडियो बना रहा था। अरे कौन है तू? देख रहा हूं कब से मेरा वीडियो बना रहा था तू? अबे तू पागल है क्या? मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? कौन है तू? फोन दे के रहा तू? अरे मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? कब से वीडियो बना रहा था तू मेरा? अरे बुड्ढे तू पागल हो गया क्या? सेटिंग क्या है तेरी? क्यों आया क्यों तू इधर? सटिया गया बुड्ढे, निकल यहां से चल। बोल ए साले, तुझे दिखा तो रुक अभी। ए बोल, हिम्मत है तो बोल, नाम बोल तेरे बॉस का, कौन है तेरा बॉस? बोल किसके लिए काम कर रहा है तू? बाबा वीडियो बना रहा था मेरा। शांत हो जाना बाबा, क्या चल रहा है ये? तू जा यहां से, चल जा यहां से। ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? तू जाना बेटा यहां, प्लीज माफ कर, चल। मैं उसकी वीडियो नहीं ले रहा था, वहाँ गार्डन में अपने आई बाबा के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहा था। पीछे गार्डन का बैकग्राउंड होना जरूरी था ताकि उनको लगे कि उनका लड़का लंदन के किसी पार्क में बैठा है। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तेरा जयदेव से कोई लेना देना नहीं था? नहीं सर, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था। उसका बदला लेने तूने जयदेव का पीछा किया, उसके घर का पता किया, छुरा लेकर उसके घर गया, जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ का कत्ल कर घर लूटा और जयदेव की कार लेकर निकल गया। पैसे नहीं थे सर, दिमाग सटक गया था, काजल के साथ घर बसाना था और इस जयदेव को भी सबक सिखाना था। यकीन कीजिए सर, गुस्से में आके मैंने मार दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसके घर पे ये कैमरा वैमरा है, वो तो मेरे लिए बोनस था। तूने एक बूढ़ी औरत को गला दबा कर मार डाला, चेहरे पर 14 गहरे घाव किए, सिर्फ सबक सिखाने के लिए? हाँ। किसी भी माँ बाप के लिए बेहद कठिन होता है इस सच को झेल पाना कि उनके इकलौते बेटे ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया बल्कि इतने घिनौने जुर्म को भी अंजाम दिया। सुनील की प्रेमिका काजल जोशी को सुनील के जुर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। असलियत जानकर वो न सिर्फ सदमे में है बल्कि उसका भविष्य और भी डामाडोल हो गया है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर सुनील के पास आई थी और वो जोड़ा जिसका इस डबल मर्डर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उनके रिश्ते पर इस केस का बहुत बुरा असर पड़ा। इस कांड के चलते इस जोड़े के बीच की दरार बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बेवफाई का शक सबूत समेत यकीन में बदल गया। सिर्फ थप्पड़ का बदला लेने के लिए? हाँ, वजह तो यही थी। हमने चुराए गए लेंसेज, कैमरा, लैपटॉप रीसेल दुकान से बरामद कर लिए। क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो सुनील के फिंगरप्रिंट से पूरी तरह से मैच करते। यकीन नहीं हो रहा है सर, सिर्फ गुस्से में उसने ऐसा किया, सबक सिखाने के लिए? क्या तो यही रहा है और लग भी यही रहा है, दुखद है पर सच यही है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।